इधर भगवानपुर में भी राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद का पूरी तरीके से असर दिखाया। सड़कों पर सुबह से ही आगजनी कर जाम में जुट गए, जिसके कारण अगले सुबह से ही भगवानपुर में भी गाड़ियों की काफ़ी लंबी कतार देखी गई, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पहुंचकर जाम खाली कराने में जुटी रही, लेकिन उसके बावजूद जाम इतना लंबा लगा हुआ था कि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना। उसी दौरान बिहार सरकार के एक मंत्री भी थोड़ी देर उस जाम में फंसे, किसी तरीके से काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें उस जाम से निकाला जा सका। हिटलर सही नहीं चलेगी, हिटलर सही बंद करो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये संपूर्ण बिहार बंद है, चक्का जाम है, चारों तरफ हाहाकार है, बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रहा है। पुलिस विधेयक कानून लाया गया है, वो हिटलर शाही कानून है, उसको वापस लिया जाए। ये क्या कानून है, बिना कहने आप कानून बना दिए। हमारा विधायक को पिटवा रहे हैं, कार्यकर्ता पिटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, महिलाओं का इज्जत नहीं है। विधानसभा में इतिहास में पहली बार हमारे माननीय विधायक को घसीटा गया, साड़ी खोल दिया गया, ब्लाउज फाड़ दिया गया। ये कैसा संविधान, ये कैसा लोकतंत्र, अम्बेडकर जी के कानून के धज्जियां उड़ाया जा रहा है नीतीश कुमार के गुंडों द्वारा। इसलिए ये गुंडागर्दी सरकार जब तक नहीं जाएगी, ये सड़क से संसद तक यह लड़ाई जारी रहेगा।